दादी रोज बोलती थी जाता नहीं जाता नहीं। आज ना सुबह से बहुत ज्यादा बुरे जुल्म हो रहे हैं आपके भाई पे। हो गए टिकट भी भाई, ये टिकट मिली है ये देखो। मैं इधर रहूंगा यार, मतलब 6-7 महीने ना अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे और थोड़ी सी ना सैडनेस से यार शुरुआत हो रही है, क्योंकि मैंने आपको काफी दिन पहले के ब्लॉग में मैं बोलता आ रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ आईटीआई करने। तो फाइनली दोस्तों आज जा रहा हूँ यार मैं, और मैं वो आपको बताऊंगा नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो आपको आज या कल वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो चलो चलते हैं। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है देखो, हमारे पहाड़ों का घर वाले आज सारे पूरे सैड हो रखे। दादी रोज बोलती थी जाता नहीं है, रोना मत, ठीक है, चुप चुप चुप। अरे देखो दादी रोने लगी, चुप 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 भाई। बाकी दोस्तों 5-6 महीने के लिए जा रहा हूँ, 6 महीने तो मतलब मैक्सिमम आप लेके चलो। मैं तो आ जाऊंगा यार अगले महीने, क्योंकि हम लोगों को बकरे बकरे कटवाने हैं घर में माता रानी के, तो फिर मेरे को आना पड़ेगा, मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी। बाकी मम्मा जी से मिल लो, आज मिल लो, और फिर 2-3 महीने के बाद है। गंदा लग रहा हूँ है देखो, आज मम्मा ने सुबह ही मेरे लिए खाना बना दिया। और हमारे ना इधर लैंडस्लाइड हो रखा, तो पता नहीं यार मिनी बस मेरे को कहाँ से मिलेगी। हमारे इधर इलाके में बस बंद हो रखी, मतलब जो हमारे गांव की बस आती थी ना। बाय, मिला दे हाथ, हाथ में जल्दी जल्दी दे। तो चलिए गाइस सुबह का अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, पैर मत गला लगी, ठीक है। राखी, राखी कब है? तू तो बोल रही थी कब है, पहुंच बुरा मैं तेरे काली। दादी ने कही 100 रुपया दिया, देखो किराया हो जाएगा मेरा। ले 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 ले, नहीं नहीं ले जा फिर, ठीक है, बाय, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं। बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदा तो लग रहा है, लेकिन क्या करूं यार, कौन चाहता है यार अपने से मतलब बिछड़ना अपनी फैमिली से। तो मतलब अगर कुछ भी हम लोगों को करना होगा ना, तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपको पता है गाँव में उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। 1 hour later फिलहाल दोस्तों अभी 8:30 हो गए हैं, बाकी अपनी गाँव की सड़क मैंने क्रॉस कर ली, मतलब यार बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ रहा। हमारा इलाका ना इधर से 5 किलोमीटर है, और ये देख लो गोलियां तलाइयां पहुंच गया यार, हमारे इधर जगह का नाम है। बाकी दोस्तों इधर बोल रहे हैं कि गाड़ी ना इधर आगे लगी है, क्योंकि इधर पीछे लैंडस्लाइड हो रखा है ना। और ये देखो धारमन पर रोड की कंडीशन भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस तो आ गई यार भाई, मिल गई फाइनली बस यार, फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ यार मैं बसोली। भाई गर्मी हो रही ना बसोली, और हालत देख के आपको लग रहा होगा कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी यार भैया की शॉप पे बैठा हूँ, भैया मेरे को ना शॉप पे छोड़ के गए हैं, खुद बस स्टैंड गए हैं। बाकी दोस्तों इधर मैं ऑटो का वेट करूँगा, फिर इधर से हम लोग जाएंगे दुनेरा, मतलब पुल के उस पार, उधर से हमें बस मिलेगी पठानकोट वाली, आएगा जरूर, आएगा जाना ना। बाकी दोस्तों आइसक्रीम खा रहा हूँ, आप लोग भी खा लो भाई, गर्मी में और क्या खाना यार। फिलहाल दोस्तों पहुंच गया हूँ यार पुल के इस पार, बाकी इधर से अब गाड़ी पकड़ूंगा पठानकोट वाली, अभी तो आई नहीं है यार, टाइम लग जाएगा, मतलब 1-2 घंटे में आ जाएगी, उसके बाद फिर हम इधर से चलेंगे पठानकोट। 1 hour later गाइस दोनों पहुंच गया, बड़ी चक्की लगी हमारी हद कर रखी यार बारिश ने भी। बस भी आ गई और बारिश देखो कितनी ज़्यादा। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूँ यार पठानकोट कैंट, ये रहा पठानकोट कैंट। बाकी अंकल के पास खा रहा हूँ भुट्टा, अंकल 20 रुपए का ये ना, ये नमक लगा के दोगे। बाकी चलो चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन, टिकट टुकट करूँगा आज ना, जर्नल में सफ़र करने वाला हूँ मैं फिर से। बाकी उधर पीछे ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन इधर चेक करो भाई पठानकोट बारिश नहीं लगी है। हाँ टेस्टी हो रहा है यार। हेलो दोस्तों इधर से रास्ता मतलब शॉर्टकट ये, पिछली बार इधर ट्रेन आ गई थी, इस बार नहीं आनी चाहिए यार। आज ना सुबह से बहुत ज़्यादा बुरे जुल्म हो रहे हैं आपके भाई पे, और ये रहा यार पठानकोट कैंट, फाइनली पहुंच ही गया मैं भाई। रेलवे स्टेशन का ना व्यू बहुत अच्छा दिखता है, अभी चलो चलते हैं।
फाइनली गाइस हो गई टिकट भी भाई, ये टिकट मिली है, ये देखो ये टिकट मिली है। मतलब ट्रेन पता कितने 22:45 पे है ट्रेन, मतलब 3 बजे हैं, 3 बज ही गए हैं, 3:45 पे है, तो मैक्सिमम हो ही गया टाइम, तो चलो चलते हैं। और अभी रेलवे स्टेशन पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है देखो, मतलब रात को होगी भीड़, तो इससे अच्छा है कि हम निकल जाएं। 5 minutes later दोस्तों वो आ गई सामने ट्रेन हमारी, ये देख रहे हो सारे जनरल वाले हैं, मतलब इधर जनरल डब्बे लगेंगे। 5 minutes later भाई मिल गई यार सीट, ये पूरा जनरल डब्बा है, मतलब पिछली बार तो बहुत भीड़ थी यार, पिछली बार आया था ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस बार बहुत कम है। बाकी चलिए चलते हैं अपनी जर्नी पे, माता का नाम लेके। ट्रेन से भाई अब इधर ही रुकना पड़ेगा, और पहले तो इधर रितु लेने आई थी, इस बार रितु भी नहीं आई यार। बाकी चलो चलते हैं इधर ही। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ यार इधर अभी, बाकी अभी बैग वुक भी छोड़ दिया, और ये है कुछ रूम यार, अब मैं इधर रहूँगा यार, मतलब 6-7 महीने ना अब इधर ही काटने मेरे को, और इधर से कोचिंग जहाँ पे लूँगा ना मैं ITI की, वो इधर से है, मतलब पास ही है, और कुछ ऐसा व्यू है देखो चारों तरफ से। तो चलो मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, मतलब कहाँ रुक रहा हूँ मैं। तो भाई साहब कुछ ऐसा रूम है देखो। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई आपका मिलेगा कल आपसे एक और नए व्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ यार, अभी नहा हो के आया हूँ और अब सो जाऊँगा मस्त, शाम को उठूँगा। और दोस्तों कल के व्लॉग में बने रहना, कल के व्लॉग में आप लोगों को रितु भी मिलेगी, मतलब रितु भी आ रही है आज, तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, बाय।